खबर झारखंड से। झामुमो नेता के घर भीषण डकैती, घटना स्थल पर पहुंचे शिक्षा मंत्री ने ली पुलिस की क्लास। बोकारो जिले के नावाडी थाना से महज कुछ ही दूरी पर झारखंड के सत्ताधारी झामुमो के नेता तपेश्वर महतो के घर रविवार की रात डकैती ने भीषण डकैत जानी की। डकैतों ने पिस्तौल के बल पर परिवार के सभी सदस्यों को काबू किया और घटना को अंजाम दिया। वे नगद 17,000 समेत लाखों के जेवरात लेकर चलते बने। घटना की सूचना मिलते ही सोमवार सुबह राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो भी पहुंचे। उन्होंने घटना की जानकारी ली। इसके बाद डकैती को गिरफ्तारी के लिए स्थानीय पुलिस की क्लास ली। नई शिक्षा नीति में ऑनलाइन एजुकेशन पर विशेष जोर, सिंह। झारखंड राइट टू एजुकेशन फोरम, ऑक्सफैम और लीड्स के संयुक्त तत्वाधान में सोमवार को लीड्स के पेरका स्थित संसाधन केंद्र में सरकारी शिक्षा व्यवस्था की स्थिति और शिक्षा के व्यवसायीकरण के मुद्दे पर सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शारीरिक दूरी के मानकों एवं मास्क के उपयोग का ध्यान रखा गया था। कार्यक्रम के आरंभ में लीड्स के निदेशक एके सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी गई है। इस नीति के तहत 10+2 की शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। अब हमारे देश में स्कूली पाठ्यक्रम 5+3+3+4 के हिसाब से होगा। इसका मतलब स्कूल पूर्व शिक्षा के 3 क्लास से लेकर कक्षा 2 तक इसका पहला भाग होगा, कक्षा 3 से कक्षा 5 तक दूसरा भाग, कक्षा 6 से 8 तक तीसरा भाग और कक्षा 9 से 11 तक चौथा भाग होगा। पहले सरकारी स्कूलों में स्कूल पूर्व शिक्षा नीति थी, पर इस नीति के तहत 3 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों का समावेशन किया गया है। पहले 3 साल बच्चे आंगनबाड़ी में स्कूल पूर्व शिक्षा लेंगे, फिर 2 साल स्कूल में पढ़ेंगे। इस स्टेज को फाउंडेशन स्टेज का नाम दिया गया है। इस स्टेज में एक्टिविटी भी है। बिहार, MP, राजस्थान, झारखंड और छत्तीसगढ़ में स्कूल कॉलेज खोलने को लेकर क्या अनलॉक 4 को लेकर गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइंस में राज्यों को स्कूल कॉलेज में 50% तक टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को बुलाने की अनुमति दी गई है। 11 सितंबर से 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्र छात्राएं शिक्षकों से मार्गदर्शन लेकर स्कूल कॉलेज जा सकेंगे। हालांकि इसके लिए माता पिता या फिर अभिभावकों की लिखित सहमति जरूरी होगी। गृह मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि स्कूल कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान और कोचिंग संस्थान 30 सितंबर तक नियमित कक्षाएं नहीं ले सकेंगे। गृह मंत्रालय के इन गाइडलाइंस के बाद आइए जानते हैं कि स्कूल कॉलेज खोलने के लेकर बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और छत्तीसगढ़ की सरकारें ने फैसला लिया है। झारखंड में 5 महीने बाद आज से चलेंगे बसें, यात्री को देना होगा दुगुना किराया। झारखंड में 5 माह बाद आज से बसों का परिचालन शुरू होगा, लेकिन इसके लिए यात्रियों को दुगुना किराया देना होगा। बसों में निर्धारित सीट के आधे यात्रियों को ही बैठाने का आदेश दिया गया है। इस कारण 2-सीटर बसों में 2 सीट पर एक ही यात्री बैठाया जाएगा, लेकिन उसके किराया दोनों सीटों का लिया जाएगा। यह व्यवस्था तब तक लागू रहेगी जब तक सरकार पूरी क्षमता के अनुसार यात्रियों को ले जाने की अनुमति नहीं देती। झारखंड बस ऑनर्स एसोसिएशन रविवार को रांची में हुई बैठक में लिया गया फैसला था। रिम से फिर जेल शिफ्ट होंगे लालू प्रसाद यादव। झारखंड हाईकोर्ट में राजद सुप्रीमो के खिलाफ दाखिल हुई जनहित में याचिका। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री चारा घोटाला के कई मामलों में सजायाफ्ता और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में सोमवार को एक जनहित याचिका दाखिल हुई। याचिका में कहा गया है कि लालू प्रसाद यादव जेल मैनुअल उल्लंघन कर रहे हैं और उन्हें तुरंत जेल शिफ्ट किया जाना चाहिए। याचिका में यह भी कहा गया है कि लालू प्रसाद को डायरेक्ट के बंगला में रखना गलत है। केचकी रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन से टकराए 5 हिरण, सभी की मौके पर मौत। झारखंड के बरकाकाना डाल्टनगंज रेलखंड के चेकसी रेलवे स्टेशन के पास सोमवार को एक ट्रेन से टकराने से 5 हिरणों की मौत हो गई। सभी हिरण बेतला नेशनल पार्क के बताए जा रहे हैं। घटनास्थल पर पहुंचे बेतला नेशनल पार्क के सहायक निदेशक कुमार आशीष ने बताया कि सुबह 5:30 से 6 बजे के बीच बेतला नेशनल पार्क से कई हिरण के केचकी रेलवे स्टेशन के पास पहुंच गए थे। उसी दौरान गुजरने वाली एक ट्रेन की टक्कर से 5 हिरणों की मौत हो गई। निषेधाज्ञा के बावजूद निकाला मुहर्रम का जुलूस, FIR दर्ज।
कोरोना वायरस के फैलते संक्रमण के मद्देनजर लागू विशेषाज्ञा के बावजूद मुहर्रम का धार्मिक जुलूस निकाले जाने पर लोअर बाजार थाने में FIR दर्ज किया गया है। चर्च रोड के जाफरिया मस्जिद से मुहर्रम का मातमी जुलूस निकाली गई थी। इसे लेकर दंडाधिकारी राकेश वर्मा के आवेदन पर केस दर्ज किया गया है। प्राथमिकी के अनुसार दंडाधिकारी के रूप में राकेश वर्मा की ड्यूटी विधि व्यवस्था को लेकर करबला चौक के समीप पुलिस बल के साथ थी। कोरोना के चपट में अब तक आए झारखंड पुलिस के 4000 से अधिक कर्मचारी। झारखंड की पुलिस में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। राज्य पुलिस के मुताबिक 3 पुलिस अधिकारियों समेत अब तक 4045 पुलिसकर्मी कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 626 लोगों का अभी इलाज चल रहा है और 9 लोगों की मौत हुई है, बाकी लोग ठीक हो चुके हैं। खबर खेल जगत से, जमशेदपुर FC ने ब्राजीलियाई मिडफील्डर एलेक्सा लिमा से किया करार। जमशेदपुर इंडियन सुपर लीग इतिहास रचने को जमशेदपुर FC बेकरार है। ऐसे में दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल करने का प्रयास कर रही है। सोमवार को मैन ऑफ स्टील ने अपनी टीम में चौथे विदेशी खिलाड़ी के रूप में मॉन्टेरो दा लिमा को शामिल किया है। जमशेदपुर FC ने उसके साथ 1 साल का अनुबंध किया है। साहिबगंज व राजमहल में बनेंगे विद्युत सौदाह गृह। राजमहल सांसद विजय कुमार हांसदा की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट समकक्ष में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की समीक्षा बैठक हुई। सांसद ने कहा कि कोरोना काल में आए प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देना प्राथमिकता है। जिला प्रशासन राज्य सरकार की 3 महत्वपूर्ण योजनाएं बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलाम्बर पीताम्बर जल समृद्धि योजना एवं पोटो हो खेल मैदान विकास योजना के तहत प्रत्येक पंचायत में प्रारंभ कराए श्रमिकों की कार्य देना सुनिश्चित करे। कहा कि साहेबगंज और राजमहल दोनों जगहों पर गंगा किनारे विद्युत सौदाह गृह बनाए जाएंगे। इस दिशा में जिला प्रशासन को प्रस्ताव देने का निर्देश दिया है। हर साल मिलेंगे 6000 रुपए, जुड़े परिवार समृद्ध योजना से। तो आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर। हरियाणा सरकार ने गरीब परिवारों की आर्थिक मदद के लिए मुख्यमंत्री परिवार समृद्ध योजना चलाई हुई है। इस योजना के तहत राज्य के हर परिवार को सालाना 6000 रुपए की राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। यह राशि सामाजिक सुरक्षा, जीवन बीमा, आकस्मिक बीमा और पेंशन लाभ के रूप में दी जाती है। बिहार में आयुष्मान भारत योजना को तेजी से आगे बढ़ाएगी नीतीश सरकार। चुनाव से ठीक पहले बनाया खास प्लान। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बिहार की नीतीश सरकार ने लगातार नई नई योजनाएं शुरू करने में जुटी हुई है। इस बीच केंद्र की आयुष्मान भारत चिकित्सा बीमा योजना को लेकर भी प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इस योजना को लागू करने में पिछड़ने के बाद अब सरकार ने तेजी से आगे बढ़ाने पर विचार कर रही है। जानकारी के मुताबिक सरकारी इस योजना के तहत रोजाना 50,000 लाभार्थियों के नामांकन का प्लान बना रही है। स्वास्थ्य मानकों के आधार पर स्टार रेटिंग दी जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य अधिकरण की ओर से चालू आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आने वाली सरकारी और निजी सूची को स्टार रेटिंग 6 मानक पर देने का प्रस्ताव है। किसानों को भा गई सरकार की फसल बीमा योजना की छतरी। मौसम से किसानों को सुरक्षा देने के लिए केंद्र की महत्वाकांक्षी प्रधान फसल बीमा योजना को चालू खरीफ सीजन में मिली सफलता से अधिक भी हैरान नजर आ रहे हैं। ग्रामीण किसानों के लिए इस बार केंद्र सरकार ने नियमों को शिथिल करते हुए ऐच्छिक कर दिया था। इस नए नियम के लागू होने के बाद अधिकारियों और बीमित किसानों के आंकड़े में गिरावट की आशंका सताने लगी थी। हालांकि अधिकारियों पर आंकड़े कम ना होने देने का दबाव भी था, लेकिन अंतिम तिथि के बाद जो आंकड़े सामने आए उसमें कृषि विभाग के अधिकारियों की पाछे खिली हुई नजर आ रही है। स्थानीय युवाओं को मिले जियाडा की कंपनी में रोजगार। झारखंड ग्राम विकास समिति की बैठक। बालीडी नया गोड़ा स्थित प्रभात तारा स्कूल के प्रांगण में हरेंद्र पांडे की अध्यक्षता में हुई ग्रामीणों की स्थिति पर नजर ग्रामीणों की स्थिति पर चर्चा की गई। साथ ही जियाडा सचिव से स्थानीय युवाओं की जियाडा इकाई कंपनी में रोजगार देने की मांग की। खबर है देश दुनिया से। भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का 84 साल की आयु में निधन। 7 दिन का राजकीय शोक।
बीते कुछ समय से बीमार चल रहे थे देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का सोमवार को निधन हो गया। उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी ने ये जानकारी दी। दिल्ली कैंट स्थित आर्मी रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में उनका इलाज किया जा रहा था। आज सुबह ही अस्पताल की तरफ से बताया गया था कि फेफड़ों में संक्रमण की वजह से वो सेप्टिक शॉक में थे। मुखर्जी के निधन पर भारत सरकार ने 31 अगस्त से 6 सितंबर तक 7 दिवसीय राजकीय शोक घोषित किया है। नरेंद्र मोदी के मन की बात को YouTube पर लाइक से ज्यादा डिसलाइक, जाने क्या है पूरा मामला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रविवार को मानसिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म YouTube पर लाइक से अधिक डिसलाइक मिल रहे हैं। पीएम के YouTube अकाउंट पर 30 अगस्त 2020 के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मन की बात विद द नेशन शीर्ष वाले कार्यक्रम को सोमवार सुबह 11:40 तक 35,000 लोगों ने लाइक किया था, जबकि 89,000 से अधिक लोगों ने डिसलाइक किया था। कार्यक्रम को लाइक करने वाले से दुगुना से अधिक लोगों ने शो की इस कड़ी को नापसंद किया। खबर लिखे जाने तक यहां इस शो को 6,68,852 व्यूज मिले थे। पीएम मोदी की इस यूट्यूब चैनल पर 75,00,000 से अधिक सब्सक्राइबर हैं। वहीं बीजेपी के यूट्यूब चैनल पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मन की बात विद द नेशन अगस्त 2020 टाइटल वाले शो को सोमवार सुबह 11:40 तक 51,000 लोगों ने लाइक किया था, जबकि 3,87,000 लोगों ने इसे नापसंद किया। खबर लिखे जाने तक इस कार्यक्रम को इस अकाउंट पर 12,82,127 बार देखा गया था। इस चैनल पर 30,00,000 से अधिक सब्सक्राइबर हैं। भारत ने कोरोना वैक्सीन को लेकर बनाया ग्लोबल प्लान, पाकिस्तान को छोड़कर सभी पड़ोसी देश को मिलेंगी मदद। देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच भारत में जल्द कोरोना वैक्सीन के आने की खबर है। कोरोना वैक्सीन के बाजार में आने के बाद लोगों तक इसकी पहुंच बनाने के लिए केंद्र सरकार 5 अलग अलग तरीकों पर काम कर रही है। इनमें निशुल्क टीकों को से लेकर गारंटीकृत आपूर्ति तक शामिल है। कोरोना वैक्सीन को लेकर अब खबर मिल रही है कि केंद्र सरकार अपने साथ ही पड़ोसी देश को भी वैक्सीन की आपूर्ति कराने का ग्लोबल प्लान तैयार कर रही है। अप्रैल से जून तक तिमाही में भारत की GDP दर में आई रिकॉर्ड 23.9% की गिरावट। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार अप्रैल जून तिमाही में भारत की GDP दर में 23.9% की गिरावट दर्ज की गई। इस दौरान कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए देश भर में लॉकडाउन लगाया गया था। 1997 से लेकर 1998 में जब भारत ने तिमाही आधार पर GDP वृद्धि के आंकड़े जारी करना शुरू किया था, उसके बाद से यह सबसे बड़ी गिरावट है। सेना के काफिले पर हुआ ग्रेनेड हमला निशाने से चूका, सड़क पर विस्फोट में 9 नागरिक घायल। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सेना के एक काफिले पर सोमवार को ग्रेनेड हमला किया गया, जो अपनी निशाने से चूकते हुए जमीन से टकराया। ANI के अनुसार सेना ने बताया कि काफिले बारामूला से श्रीनगर की तरफ जा रहा था और इस घटना में 9 नागरिक घायल हुए हैं। सेना के इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। खबर है सोना चांदी के भाव से, सोना हुआ महंगा, चांदी के भी बढ़े दाम, जानिए कितनी हुई कीमत। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार रुपये की गिरावट के साथ सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में सोने का भाव 161 रुपये बढ़कर 52,638 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। चांदी की बात करें तो इसकी कीमत में भी इजाफा दर्ज हुआ, यह 800 रुपये बढ़कर 68,095 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $1,960 प्रति ऑन्स के पर पहुंच गया था, जबकि चांदी $27.08 प्रति ऑन्स पर कारोबार कर रही थी। इस संदर्भ में HDFC सिक्योरिटीज के वरिष्ठ एनालिस्ट तपन पटेल ने कहा कि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये में गिरावट के चलते दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमतों में 161 रुपये की बढ़त देखी गई। मालूम हो कि घरेलू शेयर बाजार में गिरावट तथा अमेरिकी मुद्रा में मजबूती से सोमवार को रुपये ने शुरुआती लाभ गंवा दिया और यहां 21 पैसे के नुकसान के साथ 73.60 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। पितृपक्ष में कमजोर रहेगी सोने चांदी की खरीदारी, रुपये की मजबूती से कीमतों पर दबाव। पितृपक्ष आरंभ होने के कारण घरेलू सर्राफा बाजार में सोना चांदी की खरीदारी में नरमी बनी रह सकती है, जबकि देसी करेंसी रुपये में मजबूती से महंगी धातुओं के दाम पर दबाव रहेगा। कोरोना महामारी के चलते बने अनिश्चितता के माहौल में निवेश के सुरक्षित साधन की तरफ प्रति निवेशकों को रुझान बढ़ा
है। इसके बीच इस महीने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ कीमतों में नया रिकॉर्ड बनाया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर 7 अगस्त को सोने का भाव 56,191 रुपये प्रति 10 ग्राम तक उछला, जो एक नया रिकॉर्ड है। चांदी की कीमत भी MCX पर 7 अगस्त को 77,949 रुपये प्रति किलो तक गई, जो कि एक रिकॉर्ड है। अंतर्राष्ट्रीय वायदा बाजार कॉमेक्स पर 7 अगस्त को सोने का भाव रिकॉर्ड 2,089.20 डॉलर प्रति औंस तक उछला। खबर है चुनाव से। यूपी पंचायत चुनाव 2020, 8वीं पास से कम और 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो नहीं लड़ पाएंगे चुनाव। खबर है लखनऊ से। यूपी की योगी सरकार पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा कदम उठाने जा रही है। आगामी पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तय करने की तैयारी है। यूपी सरकार ग्राम पंचायत चुनाव में महिला और आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 8वीं पास शैक्षिक योग्यता तय कर सकती है। इसके अलावा 2 से ज़्यादा बच्चों वाले दावेदारों को भी पंचायत चुनाव में झटका लग सकता है। सूत्रों की माने तो यूपी सरकार 2 से अधिक बच्चे वाले महिला पुरुष उम्मीदवार के चुनाव लड़ने पर रोक लगा सकती है। खबर है मौसम से। 44 साल बाद जल्द आएगी ठंड, पूरे सितंबर होगी बारिश, ये है कारण। खबर है कानपुर से। 44 साल बाद इस वर्ष मौसम अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ने को तैयार है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक इस बार ठंड भी जल्द दस्तक देगी और पूरे सितंबर माह तक झमाझम बारिश होने की संभावना है। देश भर में अगस्त में अधिक वर्षा, हवा की दिशा में परिवर्तन और समुद्र की सतह का पानी ठंडा होना लाल नीला के असर का संकेत कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं औद्योगिकी विश्वविद्यालय के मौसम विशेषज्ञ के मुताबिक इस बार सर्दी जल्दी और काफ़ी पड़ सकती है, जबकि बारिश के सितंबर भर जारी रहने का आसार है। खबर है बिजली से। बिजली बिल मार रहे उपभोक्ताओं को करंट, वर्ष 2000 के बाद से 8 बार बढ़ी बिजली दरें। खबर है जयपुर से। राजस्थान में जयपुर, जोधपुर और अजमेर डिस्कॉम के गठन के बाद से 8 बार बिजली टैरिफ में इजाफा किया जा चुका है। सरकार चुनाव के तुरंत बाद दरों में इजाफे को हमेशा प्राथमिकता देती रही है। जिस वर्ष चुनाव होने हैं उस वर्ष में कोई ना कोई कारण बताकर डिस्कॉम्स के प्रस्ताव को रोका गया है। वर्तमान सरकार की बात करें तो फरवरी 2020 में बिजली टैरिफ में इजाफा किया जा चुका है और तिमाही आधार पर फ्यूल सरचार्ज का भार भी उपभोक्ताओं से वसूला गया है। बढ़ोतरी सत्ता में कांग्रेस और भाजपा सरकार दोनों के काल में हुई है। पिछले 15 महीनों में 6 बार उपभोक्ताओं पर फ्यूल सरचार्ज लग चुका है। उड्डयन मंत्री ने दिए बड़े पैमाने पर निजीकरण के संकेत, कहा सरकार को न एयरपोर्ट चलानी चाहिए और न एयरलाइंस। हवाई अड्डों के निजीकरण को लेकर चल रही बहस के बीच केंद्र सरकार ने संकेत दिया है कि आने वाले समय में इससे और तेजी आएगी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने रविवार को कहा कि सरकार को एयरपोर्ट और एयरलाइंस नहीं चलानी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने सरकारी विमान कंपनी एयर इंडिया के इसी साल निजीकरण की उम्मीद भी जताई। पुरी की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब केरल सरकार ने तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे के निजीकरण का विरोध किया है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।